तो अपन ने यहाँ पर ये क्लियरली देख लिया इसमें कि जो गवर्नमेंट कंपनी है उसमें अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ऑडिटर का सीएनएच के थ्रू होगा, और जो रजिस्ट्रेशन के 7 दिन होंगे उसके भीतर भीतर उसको अंदर अंदर उसको अपॉइंटमेंट करना होगा। अगर सीएजी फेल हो जाता है अपॉइंटमेंट करने में किसी भी परिस्थिति में या किसी भी कारण से, तो जो अपॉइंटमेंट होगा वो फिर बोर्ड के द्वारा होगा, उसकी डेज लिमिट है 30 दिन की। सबसे पहले सीएनजी करेगा प्रयास अपॉन करने का, या सीएनजी अपॉन करेगा 30 दिन के अंदर। अगर सीएनजी फेल हो जाता है तो सीएनजी के फेल होने के बाद बोर्ड कंपनी में एक ऑडिटर अपॉइंट करेगा, उसकी समय सीमा 30 दिन की ही रहेगी। 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को एक कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा ऑडिटर। अगर बोर्ड भी फेल हो जाता है किसी कारण से ऑडिटर अपॉइंट करने में 30 दिन के अंदर अंदर, तो फिर जो इंफॉर्मेशन है बोर्ड को देनी पड़ेगी जो भी उस कंपनी के मेंबर्स हैं, और फिर मेंबर्स उस कंपनी का एक ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। जो मेंबर्स हैं वो उस कंपनी में एक ऑडिटर अपॉइंट करेंगे बाय कॉलिंग ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग तो क्या है कि फिक्स होती है कि साल में एक बार ही होगी, लेकिन कोई विशेष परिस्थिति में अगर बोर्ड को या मेंबर्स को मीटिंग बुलानी होती है तो उस मीटिंग को अपन कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो उसके बाद जब बोर्ड 30 दिन में एक ऑडिटर अपॉइंट करने में फेल हो जाएगा तो वो ये इन्फॉर्मेशन देगा मेंबर्स को, और उसके बाद मेंबर्स एक ईजीएम कॉल करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। उसमें जो मेंबर्स होंगे उनको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा 60 दिन के अंदर अंदर, बोर्ड के फेल होने के बाद उनके पास 60 दिन का टाइम रहेगा ऑडिटर अपॉइंट करने का। तो ये पूरा प्रोसेस देख लिया अपन ने गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। इसके बाद अपन करेंगे अदर कंपनी में, उसमें एक ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है। इसमें सीएजी का कोई रोल नहीं होता है अदर कंपनीज में, क्योंकि जो सीएजी है वो गवर्नमेंट कंपनीज की ही मॉनिटरिंग करता है या उन्हीं की ऑडिटिंग को कंट्रोल करता है। तो जो अदर कंपनीज होंगी, अदर कंपनीज का मतलब है इसमें गवर्नमेंट कंपनीज कैसे भी एसोसिएट नहीं है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन कंपनीज में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो बोर्ड के थ्रू होगा विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंपनी जब से रजिस्टर्ड हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड को उस कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, ये ड्यूटी है बोर्ड की। अगर बोर्ड फेल हो जाता है कि उस कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट करने में, तो ये बात अपने मेंबर्स को जो उस कंपनी के मेंबर्स हैं उनको इन्फॉर्म करेगा, और उसके बाद वही प्रोसेस होगा जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी जब अपन ने देखा था, मेंबर्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करेंगे ईजीएम जिसको कहते हैं, और 90 दिन के अंदर अंदर बोर्ड के फेल होने के बाद मतलब जो 1 महीना था वो निकल चुका, उसके बाद नेक्स्ट 90 डेज में 90 दिन में ईजीएम कॉल करके मेंबर्स को एक ऑडिटर अपॉइंट करना होगा अगर बोर्ड फेल हो जाता। तो इसमें पहली ड्यूटी होती है बोर्ड की, बोर्ड अगर फेल हो जाता तो उसके बाद मेंबर्स को ये काम करना होता है। जैसे अपन गवर्नमेंट कंपनी ने देखा था उसमें पहले सीएजी आता था, सीएजी फेल होता था तो बोर्ड आता था, और बोर्ड भी अगर फेल हो जाता था तो जो लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बचती है वो मेंबर्स की बचती है। अब इसमें लॉजिक ये है कि मेंबर्स ही आखिरी में क्यों करेंगे अगर ये सब फेल हो जाए, तो मेंबर्स ही उस कंपनी के रियल ओनर्स हैं, वही उस कंपनी के मालिक हैं, तो उनको तो हर कंडीशन में ही ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, और कंपनी का जो गुड फेथ है या जो गुडविल है उसको मेंटेन रखना होगा। तो मेंबर्स उस चीज से नहीं बच सकते या वो कैसे भी फेल नहीं हो सकते, उनको तो हर सिचुएशन में हर कंडीशन में
ऑडिटर अपॉइंट करना ही होगा, ये अपने देख लिया अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर।